हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर अपन विदाउट रिपीटेशन वाले वर्ड्स जो है उनकी रैंक कैसे फाइंड करते हैं ये चेक करेंगे। इसको चेक करने के लिए अपन एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द रैंक ऑफ वर्ड मोडेस्टी। मतलब मोडेस्टी जो वर्ड है इसके हेल्प से आप जितने भी वर्ड्स बना सकते हैं अगर उनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अपन अरेंज करें तो ये जो वर्ड है ये कौन सी पोजिशन पर आएगा, इसकी रैंक क्या होगी। इसको करने के लिए एक सिंपल सा शॉर्टकट है, उस शॉर्टकट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो भी वर्ड अपने को गिवन है उसके ईच लेटर को अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर रैंक दे देते हैं। ठीक है, जैसे वर्ड क्या था अपना मॉडेस्टी, तो जब इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर अपन रैंक देंगे तो सबसे पहले कौन सा आएगा, बी आएगा ना फर्स्ट पोजिशन पर, तो इसकी रैंक हो गई वन। बी के बाद अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर कौन आएगा, ई, इसकी रैंक होगी टू। ई के बाद कौन आएगा, एम, इसकी रैंक होगी थर्ड। एम के जस्ट बाद में कौन आएगा, ओ, तो इसकी रैंक होगी फोर्थ। ओ के बाद में आएगा एस, इसकी रैंक होगी फिफ्थ, इसकी रैंक होगी सिक्स, और इसकी रैंक हो गई सेवन्थ। ठीक है, फिर अपने को क्या करना है, ईच लेटर के नीचे उससे राइट साइड में जितनी स्मॉलर रैंक आ रही है उनको नोट करना है। ठीक है, तो जैसे एम की रैंक है थ्री, थ्री से स्मॉलर वन है, टू है, तो नंबर ऑफ स्मॉलर रैंक इन राइट साइड कितना आ रहा है, टू, तो एम के नीचे टू नोट करेंगे। ओ की रैंक क्या है, फोर, फोर से स्मॉलर वन है, टू है, एट मीन स्मॉलर रैंक कितनी होगी, टू, ओ के नीचे भी टू आ जाएगा। ठीक है, फिर डी की रैंक क्या है, वन, वन से राइट साइड में स्मॉलर रैंक जीरो है, इसके नीचे जीरो आ जाएगा। ई की रैंक टू है, टू से स्मॉलर कुछ भी नहीं है राइट साइड में, जिसके नीचे भी जीरो आ जाएगा। एस की रैंक फाइव है, फाइव से ना तो सिक्स स्मॉलर है ना सेवन स्मॉलर है, तो नंबर ऑफ स्मॉलर रैंक क्या हो जाएगा, जीरो। टी की रैंक है सिक्स, इसके राइट साइड में सेवन आ रहा है बट वो स्मॉलर नहीं है, इसलिए नंबर ऑफ स्मॉलर रैंक क्या हो जाएगा, जीरो। वाई के राइट साइड में कोई लेटर ही नहीं आ रहा है, इसलिए इसके नीचे भी क्या आ जाएगा, जीरो। फिर अपने को क्या करना है, राइट मोस्ट साइड से फैक्टोरियल जीरो, फैक्टोरियल वन, फैक्टोरियल टू इनको नोट करके चलना। ठीक है, तो सबसे पहले इधर क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल जीरो, फैक्टोरियल वन, फैक्टोरियल टू, फैक्टोरियल थ्री, फैक्टोरियल फोर, फैक्टोरियल फाइव, फैक्टोरियल सिक्स। अब ये जो कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स अपन ने नोट किए हैं इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई, मतलब जीरो इंटू फैक्टोरियल जीरो, जीरो इंटू फैक्टोरियल वन, जीरो इंटू फैक्टोरियल टू, जीरो इंटू फैक्टोरियल थ्री, जीरो इंटू फैक्टोरियल फोर, जीरो सॉरी टू इंटू फैक्टोरियल फाइव एंड टू इंटू फैक्टोरियल सिक्स। ये जो भी प्रोडक्ट आए इस प्रोडक्ट का अपने को क्या करना है, सम करना है, तो इन सबको ऐड कर देंगे, प्लस 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 प्लस, क्या आएगा भाई रिजल्ट अपने पास, फैक्टोरियल सिक्स बोले तो सेवन ट्वेंटी, इंटू टू बोले तो फोर्टीन, फोर्टी प्लस फैक्टोरियल फाइव बोले तो 120, 120 टू जा 240 प्लस 0 इंटू 24 0 प्लस 0 इंटू थ्री 0 प्लस 0 इंटू फैक्टोरियल टू 0 प्लस 0 इंटू फैक्टोरियल वन 0 प्लस 0 इंटू फैक्टोरियल 0 0। इन सबको ऐड कर लेते हैं, इनको जब अपन ऐड करेंगे तो 14 40 प्लस 240 1680 हो जाएगा। ये क्या आ गया अपने पास, 1680। बट ये जो 1680 आया है ये क्या है, ये जो वर्ड है मोडेस्टी, इससे पहले जितने भी वर्ड्स आएंगे उसके टोटल नंबर हैं। अगर अपने को मोडेस्टी की रैंक फाइंड करनी है तो मोडेस्टी को भी क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। तो इसको काउंट करने के लिए लास्ट में अपने को क्या करना है, प्लस वन करना है, तो टोटल कितना आ गया अपने पास, 1681। इट मीन्स मोडेस्टी वर्ड की हेल्प से जितने भी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग दोनों जितने भी वर्ड्स बन सकते हैं अगर अपन उनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे तो मोडेस्टी जो वर्ड है इसकी रैंक क्या होगी, 1681 होगी। क्लियर है, रिपीटेशन वाले जो वर्ड्स हैं उनके लिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन एक एग्जांपल करेंगे।